डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आज हम 10वीं जमात में गुजराती की बेसिक मालूमात हासिल करेंगे, जो कि ये सब आपने 9th में सीखा ही है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे किसी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव रखी जाती है ताकि इमारत मजबूत बन सके, ठीक वैसे ही किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके बेसिक की जानकारी हासिल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब बेसिक पर जाने से पहले हम गुजराती भाषा का थोड़ा महत्व समझेंगे कि हमें गुजराती का बेसिक जानने की ज़रूरत क्यों है। आप सब जानते ही हैं कि हम गुजरात में रहते हैं और गुजराती हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमें गुजराती भाषा की मालूमात होनी चाहिए। गुजराती भाषा को समझने के लिए गुजराती भाषा के स्वर व्यंजन को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम स्वर व्यंजन की बराबर पहचान कर ले, उसे बराबर समझ ले, तो गुजराती भाषा को हम आसानी से सीख सकते हैं और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हम गुजराती भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरी मिसाल अगर मैं आपको दूं, तो हम सभी जब छोटे होते हैं तब दीनी मालूमात हासिल करने के लिए मदरसे जाते हैं, तो मदरसे में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें तख्ती में पढ़ाया जाता है, जिसमें अलिफ बा ता ये सब की पहचान हमें करवाई जाती है। उसके बाद हमें ज़बर ज़ेर ये सब की पहचान भी करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये अक्षर की पहचान बराबर कर लेंगे तो आगे जाके हम कुरान शरीफ बराबर से उसके अक्षर पहचान सकेंगे, उसकी तिलावत अच्छे से कर सकेंगे। हिब्ज़े के बाद ही हमको कुरान शरीफ पढ़ना आता है। बिल्कुल ऐसे ही भाषा का भी ऐसा ही है कि जब अगर हम गुजराती भाषा के भी स्वर व्यंजन ठीक से पहचान लेंगे तो आगे उसे पढ़ने लिखने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि गुजराती बारह खड़ी, जिसको हम कक्को भी कह सकते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले व्यंजन पर जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले व्यंजन की मालूमात हासिल करेंगे। तो ये है क। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क व्यंजन से बनने वाला शब्द कमड़ भी उसमें दिया है, और प्लस आप देख सकते हैं उसकी इमेज भी है और उसके नीचे इंग्लिश में भी क की स्पेलिंग लिखी है, जिससे व्यंजन को पहचानने में आपको आसानी होगी। अगर गुजराती व्यंजन आपको नहीं समझ में आता है कि ये कौन सा व्यंजन है, क है या ख है, तो आप उसकी ये इमेज में उसकी स्पेलिंग देखकर भी कह सकते हैं कि ये क है। ऐसे ही अगर आप बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो आपको अक्षर की पहचान बराबर हो जाएगी और ये आपके आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। ऐसे ही आपको हर एक स्लाइड पर मालूमात मिलेगी जो आपको व्यंजन पहचानने में आसानी करेगी। यह है ख, खल नो ख, ग, गरुड़ नो ग, ग, घर नो ग, च, चकली नो च, छ, छतरी नो छ, ज, जलेबी नो ज, झ, जबला नो ज, ट, टपाली नो ट। अब यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब ये ट और ड की बात आती है तो हम सब की यहाँ गलती होती है। अब यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर सबको ट और ड में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, उच्चारण में भी और लिखने में भी। इसलिए यहाँ पर हम दोनों के फ़र्क को देख सकते हैं। ठीक जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ट, ट टपाल नो ट,
इसके बाद हम देखेंगे ठ ठड़िया नो ठ, जो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट दिशा में है। उसके बाद है ड डमरू नो ड और ड ढगला नो ड। तो ये चार जो है ट ठ ड ढ, ये चारों के फर्क को पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसा बोलते हो वैसा ही लिखते हो। तो अगर आपके उच्चारण में गलती होती है, प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है, तो आपकी लिखावट में ही में भी गलती होगी ही। तो इसलिए ये चार अक्षर पे थोड़ा ज़्यादा गौर कीजिएगा, ताकि आपको ट ड और ठ और ढ का फर्क पता चले। आगे बढ़ते हैं, अण फैन नो अण, त तलवार नो त, थ थड़ नो थ, द दफ्तर नो द, ध धजा नो ध। अब यहाँ जो हमने पहले घ घर नो घ देखा था वो, और ये ध धजा नो ध, इसमें भी थोड़ा फर्क है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फर्क आपको खुद ब खुद नज़र आएगा कि घ घर नो घ में और ध धजा नो ध में क्या फर्क है, बोलने में भी और लिखने में भी। न नकारा नो न, प पतंग नो प, फ फटाकड़ा नो फ, ब बतक नो ब, भ भमरडा नो भ, म मरचा नो म, य यति नो य, र रमकड़ा नो र, ल लखोटी नो ल, व वड़ नो व, श शरणाई नो श, स षटकोण नो स, स ससला नो स, ह हरण नो ह, अड़ नड़ नो अड़, श क्षत्रिय नो क्ष, और ज्ञ यज्ञ नो ज्ञ। तो यहाँ हमारे व्यंजन पूरे होते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो र और अड़ इनको भी प्रोनाउंसिएशन में यानी कि उच्चारण में बोलते वक्त और लिखते वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसा ही हमारी ज़बान की आसानी की वजह से हमें अड़ बोलने में तकलीफ़ होती है। तो हम अड़ लगाने की जगह पे भी हर जगह र ही लगा देते हैं, और हम जैसा बोलते हैं ऐसा ही लिख भी देते हैं। लेकिन कई बार शब्दों में व्यंजन की एक की जगह दूसरी को रख देने से उसका अर्थ बदल जाता है, इसलिए हमें लिखते वक्त खास ये बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम जो समझाना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं वहीं लिख पाए, दूसरा गलत हम न लिख पाए। अब हम आगे स्वर की ओर बढ़ते हैं। जैसे गुजराती भाषा में व्यंजन है, ऐसे ही स्वर भी है, और स्वर और व्यंजन मिलकर ही कोई अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं। अब स्वर देखेंगे तो गुजराती भाषा में 13 स्वर है। कितने? 13। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि स्वर में सबसे पहले अ, फिर आ, ई, ये जो ई है पहला, इसको हस्व ई कहेंगे, यानी छोटी ई। इसको बोलते वक्त हम बहुत ज़्यादा मतलब के आवाज़ में बहुत वज़न नहीं लाएंगे। उसके बाद है ई, जो कि दीर्घ ई है यानी बड़ी ई, इसको बोलते वक्त हमारी आवाज़ में थोड़ा वज़न होना चाहिए। उसके बाद है ऊ, ई की तरह ये ऊ भी पहला हस्व ऊ है, दूसरा है दीर्घ ऊ, फिर है रू, उसके बाद है ए, उसके बाद है ऐ, फिर ओ, फिर औ, फिर अम और अह। तो ये है गुजराती के स्वर, जिनकी संख्या 13 है, और ये हमें याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे स्वर और व्यंजन है, बिल्कुल वैसे ही जोड़ाक्षर भी है। तो जोड़ाक्षर यानी क्या? अब जोड़ाक्षर, जोड़ना यानी कि एक दूसरे से जुड़ना। अब यहाँ जब दो अक्षर जुड़कर एक अक्षर बनता है तो उसे जोड़ाक्षर कहते हैं।
तो यहाँ आप देखेंगे कि जोड़ाक्षर में सबसे पहले क्ष, फिर है ज्ञ और फिर है त्र। तो ये तीन हमारे स्वर व्यंजन के बाद ये तीन जोड़ाक्षर आते हैं जिनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिक में गुजराती भाषा के स्वर व्यंजन और जोड़ाक्षर की मालूमात हासिल की। उम्मीद है कि इससे आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और इन सब की वजह से आपकी गुजराती भाषा की जानकारी में भी बहुत फ़ायदा होगा और आगे की पढ़ाई में भी आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में अभ्यासक्रम का आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।